उत्तराखंड के चमोली के जोशीमठ के सीमांत गांव रैणी में लगातार हो रहे भूधसाव से ग्रामीण दहशत में हैं। गांव की खेतीबाड़ी की जमीन में बढ़ रही दरारें ग्रामीणों की चिंता बढ़ा रही हैं। खतरे के आभास को देखते हुए ग्रामीण शासन और प्रशासन से इसके स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। जोशीमठ नीति मोटर मार्ग पर सलधार के पास सड़क निर्माण का काम कर रही कार्यदायी संस्था के सामने भी ग्रामीणों ने अपना विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से शासन और प्रशासन का मकसद केवल सड़क काटना है, उससे किसको नुकसान हो रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने मांग की है कि उनके गांव की सुरक्षा के लिए काम किया जाए, नहीं तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। काम ऐसा है कि हम भी फायदे के लिए करते हैं। ये पहले स्लाइड हो रहा था, फिर गांव का प्रोटेक्शन के लिए ही बुलाया गया था हम लोगों को। लेकिन कुछ काम ऐसा होता है कि कोई आपके भला के लिए करे, उसमें कई बार गलत हो जाता है। भगवान के आगे किसी का नहीं चलता है। इसके अलावा हम लोग गए तहसील में कि हमारा पूरा देखो अंकल, हम लोग तो बहुत दूर से हैं। जैसा आप कहोगे सही है तो सही, कहेंगे गलत है तो गलत है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर हैं। लेकिन कोई काम हम ढंग का करना चाह रहे हो, बढ़िया करना चाह रहे हो, क्योंकि देखो दो दो एक्सावेटर चल रही है, 300 लीटर डीजल डेली का लगता है। लेबर हो गए, उनके ऑपरेटर हो गए, हमारे खर्चे हो गए, कंपनी झेल रही है। ये इसलिए तो नहीं कि गांव वालों को नुकसान कर दो और उसके गांव वाले परेशान हो। लेकिन अब इसमें आप लोगों ने देखा, हमने काम किया, बारिश में सारा काम बेकार हो गया। दूसरी बारिश आई थी, उसी ने ज्यादा रुलाया सबको। ये तो गाँव के बगल में तो ज्यादा दिक्कत हो रही है, बीच बीच में तो ऐसा हो कि रोड भी धस गई पूरी रोड की धस गई। अब हमसे फेंकेंगे नहीं जो। और अगर सर आप तो थोड़ा सा यहाँ पर समझदार हो, आप लोग दीवार दीजिए, आप दीवार दीजिए। दीवार का जो एक बार चीप उपाय नहीं थे, आर्मी वाले के चीप आए थे सारे, फिर यहाँ का हम लोगों ने वो जो डिजाइन होता है कितना ऊपर है, आप लोग कहाँ से मालूम है। अभी गाँव है आपके गाँव के, भाई साहब ऐसा काम मत करो, आप दीवार दे दो। वही सामाजिक कार्यकर्ता अतुल सती ने बताया कि 7 फरवरी 2021 की त्रासदी ने पूरे क्षेत्र को आपदा ग्रस्त बना लिया है। इसके बाद से धौली गंगा के किनारे से लगातार भूधसाव जारी है। इस दौरान जोशीमठ नीति सड़क को भी भारी क्षति पहुंची थी। अब सड़क निर्माण के कार्य के दौरान गांव को भी लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। गांव में बड़ी बड़ी दरारें देखी जा सकती हैं। इस पर शासन प्रशासन को गंभीर होना होगा, वरना जिस गांव क्षेत्र ने पर्यावरण को बचाने के लिए विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन चलाया था, आज वही गांव अनियोजित विकास के कारण भूधसाव की भेंट चढ़ जाएगा। ये इतनी दरार जो है खेत में आ गई है, ये पूरा इसने स्थान छोड़ दिया, यहाँ से ये पूरी दरार आ गई और ये दरार बढ़ती जा रही है रोज। ये दरार बड़ी लंबी दरार, ये तो किसी तरह बचेगा नहीं, ये तो नीचे जाके रहेगा। ओ बाप रे, पूरी लंबी दरार आ गई और ये वजह है इसका जो नीचे, और ये पूरा एक बड़ा भूस्खलन का जोन तैयार हो गया है। और इस तरफ तो है ये पहाड़ी के उस तरफ भी, और सामने ये गांव है जुआगुआड़, ये और इसके नीचे ये पहाड़ी पर सामने इस तरह का। इसी क्षेत्र में 7 फरवरी को आपदा भी आई थी। भाई इसके बगल का गांव है रेणी गांव। वही बीआरओ के कमांडर कपिल के मुताबिक आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञ टीम के सुझाव पर ट्रीटमेंट का काम जारी है,
लेकिन पानी के स्थायी निकास न होने के चलते समस्या बढ़ रही है, जिसके लिए ग्रामीणों को जिला प्रशासन से बात करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि जोशीमठ मुख्य नगर के साथ सेलंग, रेणी, तपोवन आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील इलाके बन गए। लगातार भूधसाव से बढ़ रही दरारें आने वाले समय में किस तरह का रूप दिखाएंगी, ये सोचकर ही दहशत होने लगती है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने इस तरह की दर्जनों घटनाएं देख ली है, जिसमें कई लोगों की जान भी गई है। स्थानीय लोग बार बार मामलों में उच्च स्तरीय भूगर्भीय सर्वेक्षण की मांग कर रहे हैं। ये निश्चित ही भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है। पता नहीं ये चुनाव के मुद्दे बनेंगे भी कि नहीं। लोगों का उजड़ना अगर उनकी नियति मान लिया गया हो तब तो उम्मीद ही कम है, क्योंकि अगर प्रशासन अपनी समस्या रखने पर जेल भेजने की धमकी दे तो फिर विकल्प है भी क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़े, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।